नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार देर शाम हैदराबाद पहुंचे। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से सीएम हेमंत सोरेन की मां बीमार चल रही है। वहीं उनके बेहतर इलाज के लिए सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन कुल 11 लोगों के साथ हैदराबाद रवाना हो गए। वहीं उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से भी प्रगति भवन में मुलाकात की। इस दौरान तेलंगाना मुख्यमंत्री ने हेमंत सोरेन का स्वागत किया। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच देर रात तक बातचीत जारी रही। जानकारी के अनुसार राजनीति मुद्दों पर, झारखंड की वर्तमान राजनीति हालत पर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा हुई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी मां के इलाज के लिए हैदराबाद गए हैं। वही वह शुक्रवार को दिल्ली भी जाएंगे। इसके साथ ही वह 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री द्वारा न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 6 वर्षों के बाद आयोजित हो रहा है। इसके साथ साथ इस सम्मेलन के बाद देशाम राष्ट्रपति भवन में डिनर पार्टी का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी हिस्सा लेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता आगामी राष्ट्रपति चुनाव में क्षेत्रीय दलों से उम्मीदवार उतारने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। गुरुवार को अपने परिवार के साथ हैदराबाद पहुंचे झारखंड के सीएम शाम को प्रगति भवन पहुंचे और तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात की। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष मंत्री केटीआर भी बैठक में शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक दोनों ने राष्ट्रीय राजनीति, केंद्र सरकार के रवैये और भविष्य की गतिविधियों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सीएम केसीआर ने कहा कि उनका मानना है कि प्रधानमंत्री अपने खुद के एजेंडे को पार्टी के एजेंडे के साथ लाकर देश में नई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। एक भी निर्णय लोगों के पक्ष में नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। वहीं इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि मोदी सरकार केवल सत्ता के प्यासे हैं, सेवा के नहीं। ऐसे प्रधानमंत्री का होना देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र के समर्थन से भाजपा शासित राज्यों में धार्मिक समस्याएं पैदा हो रही है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि राज्यों को नुकसान पहुँचाने के केंद्र के रवैये का मुकाबला करने के लिए व्यापक कार्रवाई की जरूरत है।